शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे परमाराध्य निरुपाधिक करुणाबारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण विश्व गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सड़गो स्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महर्षि के चरण कमल दंडवत प्रणाम की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अन्य वैष्णव पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज अन्य वैष्णव वृंद भक्त सबके चरण का यथाथ प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि। यद्यपि हम लोग ये पाठ कर रहे थे हिरण्य प्रहलाद चरित को, कल से फिर उसको पाठ करेंगे। आज उनके बारे में यथासंभव गुरु वैष्णव के द्वारा किया हुआ कीर्तन को फिर अनुकीर्तन करेंगे। बहुत सीखने वाला बात है, उनका जीवन आदर्श से उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने हमारे परम गुरुदेव को उन्होंने आचार्य केसरी उपाधि प्रदान की है। और उनका प्रसिद्ध मठ आज तिथि हमारे भक्ति सर गोस्वामी और उन्होंने वृंदावन में महाप्रभु की जो लीला स्थली गौड़ीय वैष्णव के अधि अति एक प्रमुख लीला स्थली है इमिल तला को उन्होंने संस्कार किए। वहाँ पर बड़ी सुंदर मठ भी बनाए वृंदावन में। यहाँ पर भी उन्होंने एक मठ, यहाँ पर पुरी में है। प्रभुपाद के पार्षद में बड़े विशेष संग्राहक थे, डोनेशन अति सुंदर रूप से वो संग्रह करते थे। विचक्षण प्रतिभा था, बुद्धि भी तेज था। पहले जब आए थे परम गुरुदेव के साथ उन्होंने मिले थे मायापुर में, उन्होंने प्रभुपाद से जब कथा सुने श्रवण करने के बाद अपने पास आने वाला सारी पैसा को, उन्होंने रेलवे में सर्विस करते थे उस समय, उन्होंने 10 रुपया प्राप्त करते थे जो दरमा सैलरी मंथली, उन्होंने सारी पैसा को भेज देते थे प्रभुपाद के पास। क्योंकि गुरुदेव में क्या है श्लोक, हाँ तब तो आप लोग ठीक, गुरु शुश्रूषया लब्धा
भक्त्या सर्वालब्धार्पणे न च, जो कुछ मिलता था पूरा 10 रुपया भेज देते थे। फिर प्रभु महाराज, लेकिन प्रभुपाद फिर 5 रुपया रख करके 5 रुपये उनके घर के लिए भेजते थे। तब फिर प्रभुपाद प्रसाद मटकी सेवा के हेतु वो जानते थे गुरु है, घर कैसे चलेगा, वो तो सारी पैसा भेज दिया मठ में, तो उन्होंने फिर 5 रुपया रख करके मठ के लिए फिर 5 रुपया भेजते थे। कहाँ? उनके पास। पूरा पूर्ण शरणागति उनको जीवन में देखा गया। उनको बहुत अच्छा घर मिला था, क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, जहाँ पर प्रभुपाद 3 दिन थे भी। और प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद से कथा श्रवण करते हुए उनका जीवन में प्रचंड वैराग्य आया। उन्होंने जब घर छोड़ कर आए, घर की अलमारी, खट, टेबल सब कुछ लेकर के आ गए थे मठ में सेवा करने के लिए। शरणागति सर्वालब्धार्पणे न च। और प्रभुपाद की बड़ी अद्भुत सेवा की उन्होंने। आप लोग अगर देखेंगे कि जब गौड़िया पत्रिका निकलता था साप्ताहिक, उनमें प्रकाशक रूप में अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, उनका पुराने नाम था अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, बाद में उनका ब्रह्मचारी नाम क्या हुआ, हाँ अप्राकृत गुण, हाँ कौन अनुभव, हाँ गुण सागर गुण अप्राकृत सारंग, उनका हुआ भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनका हुआ सन्यासी नाम। अच्छा, तब ये अतुल चंद्र बंदोपाध्याय उच्चे कुलीन ब्राह्मण कुल से पैदा हुए थे। उनकी प्रभाव बहुत अच्छा था। जब उन्होंने मठ में आ गए तो सारी ब्रह्मचारी भी सोचने लगे कि क्यों, पूरा मठ चल जाता था उनके पैसा से, 5 रुपया में जो खर्चा पानी हो जाता था, तो अभी तो हम लोग को फिर भिक्षा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा सोचते थे। तो लेकिन बाद में पता चला कि देखा गया कि उन्होंने जितना पैसा देते थे उसे काफ़ी पैसा कलेक्शन किए फिर मठ के लिए। वो वहाँ पर प्रकाशक रूप में उनका नाम है अतुल चंद्र बंदोपाध्याय गौड़ीय पत्रिका में। और वो पत्रिका जगह जगह भी जाते थे। पूज्यपाद भक्ति जो पूज्य अरण्य महाराज थे प्रभुपाद के, भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज, अरण्य गोस्वामी महाराज के साथ उन्होंने जाते थे पत्रिका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद की उपदेश था कि गौड़ीय पहुँचाओ घरे घरे, तो बीच बीच में पत्रिका में कहाँ कहाँ प्रभुपाद की फोटो भी आता था, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी की फोटो भी आता था। किसी के व्यक्ति ने भक्ति सारंग गोस्वामी, भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज को बोल दिया कि ये भगवत संबंधित वस्तु है, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष का मनुष्य मात्र का फोटो देना, मनुष्य का फोटो देना अच्छा नहीं है। ये क्यों दिया तुम लोग, गौड़ी मठ के लोग सब विरोध काम करते हो। तो फिर उन्होंने कुछ ज्यादा जवाब दे नहीं पाए। फिर भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज को जब पता चला अतुल चंद्र बंदोपाध्याय प्रभु को, उन्होंने फिर उनके पास आए और उन्होंने बड़े कड़वा जवाब दिए उनको, क्योंकि उनको देखा कि उनको समझाएंगे कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री आचार्य मांग बीजान्यान, भागवत ग्रंथ भगवत संबंधित तो होने के कारण भागवत है, और ये लोग नित्य प्रियजन है भगवान की, इसलिए भगवत संबंधित तो होने के कारण ये लोग भी भक्त भागवत है, भागवत तो 2 प्रकार की, तो ये समझाने में समझने वाला नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने उनको बोला कि मैं पेशाब करने से तुम्हारे 7 पीढ़ी ढक ढक करके पियोगे और अपने को कुतार्थ मानोगे, और मैं जिनके चरण में माथा नमन झुकाया समर्पण किया, तो वो आगे तो प्रभु पर उनके श्री चरण में मैंने सिर झुकाया, तो उस पत्रिका के ऊपर जैसे वितरण करने करने के लिए
आया उन पर प्रश्न उठा रहे हो तुम, उनकी पत्रिका को मैंने आया वितरण करने के लिए और वो महाभागवत है तो उनके बात पर प्रश्न उठाते हो, उनका फटक क्यों दिया गया? इतना तुमको, अर्थात वो क्षत्रिय या कुलीन कोई जाति के थे जो कि उनका जजमान थे, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार बात बोला। पिशाब करने मतलब बहुत कठोर शब्द से बोला, इसका मतलब तुम हमारे चरण धो करके पियोगे तुम्हारे तीन पीढ़ी, और तुम पीने के बाद कुतर्थ मानोगे, और मैं ऐसा व्यक्ति जिनके चरण में माथा नमन किया और तुम उनके बारे में प्रश्न उठा रहे हो। तब फिर व्यक्ति जब वापस मठ में आ गए तो भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज ने प्रभुपाद को सारी बात बताया, तो प्रभुपाद बोले कि उनको तो उन्होंने कि महाप्रभु ने ये भागवत पत्रिका को, भागवत को प्रचार करने के लिए सचमुच अपना निज जन को ही हमारे पास भेजा है, जो कि प्रभु महाप्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हारे पास जन और धन ये दोनों को मैं भेजूंगा, और ये एक बार उन्होंने देखा जाता है अतुल चंद्र बंदोपाध्याय कोट पैंट पहन करके ही जाते थे भिक्षा संग्रह करने के लिए। एक बार वहां भी हुआ था नैमिषारण्य में, एक बूढ़ी माता जी ने जमीन देने के लिए बोला था कि गौड़ियों मठ वाले को मैं जमीन दूंगा, एक नंबर कलेक्टर होते, कलेक्शन बहुत अच्छा करते थे। तब उन्होंने फिर वहाँ के ब्रिटिश के कोई आए और बोल दिए कि उनको क्यों देना है, उसके द्वारा कोई लाभ नहीं होगा जगत का, यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोगों कल्याण में किसी भी काम में गौड़िया मठ नहीं आएगा, बोल के फिर अपना जवान लोगों के लिए कुछ घर बनाने के लिए उन्होंने जमीन मांगा और उन्होंने फिर उसमें राजी हो गए और गौड़िया मठ को देने वाला प्रतिश्रुति को मना कर दिए। गाड़ी 3 घंटा ट्रेन लेट था उसी दिन, तो उसमें जब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के पास ये बात पहुंचा, अतुल चंद्र बंदोपाध्याय वो तो कोट सूट बूट पहनते थे, तो उस समय उन्होंने एक इनकम टैक्स के बुक्स मिलता था मार्केट से खरीद करके लिए बगल में ऐसा दिखाते हुए, और लिए और जाकर उनके घर में पहुंचे और बोले कि आप लोग बैठो, और उन्होंने ट्रेन में बैठे थे खुद को चले गए स्टेशन पर, लोग बैठे थे और जा करके बोले कि मैं गौड़ियों मठ के तरफ से आइन व्यवस्था में मैं लड़ाई करता हूँ, वकील हूँ गौड़ियों मठ के, तो आपने बोला था कि गौड़ियों मठ को जमीन देंगे लेकिन अभी आप नहीं दे रहे हो, तो इसलिए हमने गौड़ियों मठ वाले सारी पत्र पत्रिका सब जगह उन्होंने प्रचार कर दिए कि ये मठ बनेगा यहाँ पर, तो अभी आपने जब मना किया गौड़ियों ना मठ के नाम पर बदनाम फैल जाएगा, तो इसलिए आपके नाम पर हम मान हानि मुकदमा करेंगे, तो आपकी क्या विचार बताइए। तो फिर उन्होंने डर गए और इनकम टैक्स की सारी बुक्स भी पास में, तो उन्होंने बोले कि मैं तो देने वाला था और उन्होंने ऐसा ऐसा बताया ब्रिटिश आईपीएस ऑफिसर ने, उन्होंने बोला ये मूर्ख क्या जानता है, आपने जमीन जितना रुपया के दोगे हम उनका कितने गुना ज्यादा उसमें खर्च करेंगे निवेश करेंगे और मैं जगत को बड़ा अवदान होगा, ये मूर्ख क्या जानता है। बल्कि उन्होंने ऐसा जब बात बोले तब फिर बोले ठीक है ये बात छोड़ो, वो मूर्ख की बात छोड़ो, आप अभी पॉइंट पर आए तो आप क्या सोच रहे हो, आप दोगे या हम कोर्ट पे मानहानि मुकदमा आपके नाम पर करेंगे। वो बोले नहीं मैं दूंगा, ठीक है दे दूंगा। बोले दोगे तो अभी जितना हमको परेशानी किए, हम ट्रेन छूटने वाला है अभी आए आपके पास, ये सब के लिए आपको फिर कुछ जुर्माना देना पड़ेगा 10,000 रुपया का। वो बोले 10,000 रुपया जुर्माना दे नहीं सकते, 5,000 दूंगा। महाराज बोले ठीक है, 5,000 रुपया की फैसला करके फिर उसके बाद जाकर वो जमीन रजिस्ट्रेशन हुआ और 5,000 रुपया ला करके फिर उन्होंने वहाँ पर नीम वगैरह डालने के लिए व्यवस्था बनाए। ऐसा उन्होंने मठ की सेवा की है। एक बार गौड़िया मठ मायापुर के लिए ईंट जरूरत था, उन्होंने गए और जिनके पास गए सेठ जी के पास, फिर उन्होंने ठीक से
फिर उनके साथ बातचीत किए, हरिकथा उनको सुनाए, उनका बड़ा श्रद्धा उत्पन्न हो गया। बोले ठीक है महाराज जी, जितना कोयल की जरूरत है, ईंट तो मठ में ब्रह्मचर्य लोग ही डालते थे, उसको जलाने के लिए जो भाटी डाल के जलाते हैं ना, उसको पकाते हैं, तो कोयला की जरूरत था। तो बोले कि आपके लिए जितना कोयला जरूरत है यहाँ से आप ले सकते हैं। बोले ठीक है, बात हो गया। तब फिर जब गाड़ी देखा तो गाड़ी बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस समय उन्होंने सूर्य महाराज जी ने उनको बोला कि देखिए महाराज जी, उनको बोले कि सेठ जी सुनिए, वो थाली जो देगा खाना कौन देगा? आप अगर भोजन दोगे तो पत्तल दूसरा कौन देगा? ये शोभा नहीं देता। तो मठ के लिए आप कोयला दे रहे हो तो गाड़ी आपको ही प्रबंध करने से अच्छा है। तो उन्होंने ठीक है महाराज जी, हम दे देंगे। उन्होंने फिर गाड़ी और कोयला के साथ गौड़िया मठ में आकर के पूरा ट्रक पहुंच गया। उन्होंने इस प्रकार एक बार तो अम्बासडर कार एक उन्होंने भिक्षा करके लाए थे प्रभुपाद के लिए। उन्होंने जब बड़ा जबरदस्ती भिक्षा करते थे, एक बार कलकत्ता में के सेठ जी के पास गए तो उन्होंने जब कलिंग बेल लगाया स्वयं सेठ जी बाहर आ गए और उन्होंने बताया कि मैं गौड़िया मठ के तरफ से आया हूँ। तो उन्होंने बोले हमारे गौड़िया मठ के ऊपर विश्वास नहीं है। वो अनसुना करके फिर अंदर जगह चलने लगे। उन्होंने बोला मैंने बोला ना हमारे गौड़िया मठ के ऊपर विश्वास नहीं है, और फिर अंदर गए और जाके उनके चेयर के ऊपर ही बैठ गए। उन्होंने थोड़ा क्रोधित होकर बोले क्या मैंने आपको सुनाई नहीं दे रहे? मैंने बोला कि गौड़िया मठ में हमारा विश्वास नहीं है। बोले हाँ मुझे मैंने सुन लिया कि गौड़िया मठ में आपका विश्वास नहीं है, नहीं तो आप तो अभी तो गौड़िया मठ में जा करके वहाँ ही जाना ना करते, विश्वास नहीं है इसलिए आप नहीं जाते हैं, और मैंने इसलिए अंदर आया आपको विश्वास जगाने के लिए, वास्तव बात बताने के लिए। फिर गौड़िया मठ के बारे में सारी बात बताया, जागत का जगत के लोग क्या क्या काम करते हैं, स्वास्थ्य की शरीर की सेवा और मन की सेवा, लेकिन गौड़ीय मठ के भक्त लोग कैसा आत्मा की सेवा करते, सारी बात जब समझाए। उन्होंने 5 रुपया दिए उनको प्रणाम के रूप में। बोले हम पैसा लेने के लिए आपसे नहीं आया था, मैं तो आया था केवल अंदर घुस करके आपके साथ गौड़ीय मठ के अंदर आपके अंदर विश्वास जगाने के लिए। ठीक है, आप अगर मेरा एक निवेदन है, आप चलिए हमारे गौड़िया मठ के जो महापुरुष है प्रभुपाद के साथ आपको मिलना है, दर्शन करके आओ। उन्होंने फिर झट करके निकले और अपना गाड़ी में बैठा करके उनको लाए और प्रभुपाद साथ मिले, प्रभुपाद से हरिकथा सुने और उनको 5 रुपया प्रभुपाद को उन्होंने प्रणाम दे करके उसी जवान में गए थे। और एक बार उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर सेवा की, ओडिशा में आए थे, जैसे रणपुर या कहाँ पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने फिर जब गए वहाँ 2-3 दिन उन्होंने मंदिर निर्माण चल रहा था उस समय मठ में। तो उन्होंने रानी ने बताया कि देखो उनको पूछो साधु महात्मा को कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है ना, कोई तकलीफ है? उन्होंने बोले हाँ तकलीफ है, सोने के लिए एक तकिया की जरूरत है। तो उन्होंने फिर बहुत अच्छा तकिया भेजा, कर्मचारी ने जब दिया और रानी ने बोल दिया कि ये तकिया आप अपने पास में रखना, रख सकते, वापस देना जरूरत नहीं है। तो महाराज जी ने जब तकिया मिल गया अगला दिन उसको लेकर के मठ में आ गए, और जब मठ में आया तकिया खोला वहाँ से 2500 रुपया मिला। तो कहते हैं क्योंकि रानी लोग जो भिक्षा देना की काम है राजा देते हैं, रानी लोग पहले स्त्रियां नहीं देती थी क्योंकि अनुगता थे, रहते थे सब, लेकिन रानी की इच्छा है साधु आए तो हमें उनको सेवा करना है, तो इसलिए उन्होंने उनको बोला था कि तकिया चाहिए, वास्तव में उनका बिना तकिया से वो सो सकते, तकिया मांगा था इसलिए क्योंकि वो जानते थे भिक्षा देंगे, इसलिए पूछ रहे क्या असुविधा है। इसलिए चतुराई पूर्व उन्होंने बताया कि मुझे एक तकिया जरूरत है। वो 2500 रुपया दे करके मठ में सब आश्चर्य हो गए उनकी सुतीक्ष्णता बुद्धि को देख करके। और एक बार उन्होंने बड़ी अच्छा बात लिख रहे महाराज जी बोले हैं कि जब कानपुर में गए थे प्रभुपाद, वहाँ पर एक न्यायाधीश जिला जज ने प्रभुपाद के पास मिलने के लिए आए, और आने के बाद उन्होंने जब देखा कि सब एजुकेटेड सब बच्चे हैं,
उन्होंने LLB किया, LLM किया उसी जमान के, उनको देख करके उन्होंने बोला कि प्रभुपाद को कटाक्ष करते हुए, इंगित करते हुए थोड़ा बोला कि क्या आपने, आपका मिशन इतने बड़े शिक्षित लोगों को भिक्षुक बनाने के लिए है ना? तो उसमें उसके द्वारा प्रभुपाद थोड़ा दुखी हुए। बाद में जब अतुल चंद्र बंदोपाध्याय आए और उन्होंने सुना कि इसी प्रकार उन्होंने जिला जज ने ऐसा बोल करके गया है, तो उन्होंने उनके पास फिर तांबे के ऊपर तांगे तांगे क्या बोलते हैं जो ओ टांगे लिखा, हाँ टांगा माने हाँ घोड़ा, अच्छा हाँ टांगा, टांगे के ऊपर गए घोड़े गाड़ी के में बैठ करके, और जिला जज को उन्होंने समझाया, बोला फिर सारी युक्ति देकर उनको समझा दिए और बोले कि तुम जिस महापुरुष के चरण में अपराध किया, तुम्हारे सब परिवार और तीन पीढ़ी के साथ नरक में जातना भोग करना पड़ेगा, अभी अगर अच्छा है तो जाकर के माफी मांग करके आओ। तो उन्होंने फिर जिला जज ने प्रभुपाद पास फिर आए और उनके चरण में क्या किए, माफी मांगा और 500 रुपया प्रणामी दे करके गए। मठ की सेवा करने के लिए उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने बड़े अद्भुत अद्भुत सेवा किए। कौन कैसे जज? हाँ तो अच्छा, हाँ तो इस प्रकार उन्होंने बड़े अद्भुत सेवा की। और एक बार ऐसा देखा गया, उन्होंने एक विषयी व्यक्ति से भिक्षा संग्रह किया, जब हैदराबाद में उसका उस समय, आजकल उनका नाम हो गया चेन्नई, उस समय उनका था माद्रास नाम था, माद्रास हैदराबाद, माद्रास में भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी थे, वहाँ पर गए थे कबूर में मठ बनाने के लिए, जो राया रामानंद के स्थान वहाँ पर, तो उस समय उन्होंने माद्रास में एक मठ बनाए थे, गौड़िया मठ प्रतिष्ठा हुआ था, माद्रास गए थे, लेकिन बहुत जड़ा कंजूस था, उनको क्या बोलते हैं ना, मक्खी कंजूस ना, क्या बोलते, मक्खी चूस, मक्खी चूस किसको कहते पता है? ओ हिंदी में प्रवाद है कि अगर मक्खी अगर वो महू में गिर गया तो भी वो मक्खी को निकाल करके फेंक देंगे तो महू तो चला जाएगा, इसलिए मक्खी को चूस लेंगे महू चला जाएगा और फिर मक्खी को फेंक देंगे, मतलब कोई वस्तु भी बर्बाद करने के लिए, मतलब एक एक मतलब पूरा पूरा से पूरा कंजूस है, इसलिए उसको कहते हैं मक्खी चूस। तो उन्होंने बहुत बड़ा कंजूस था, लेकिन बड़े धनी व्यक्ति था, तो उन्होंने भक्ति रखा सिद्धा गोस्वामी महाराज जी को बोले कि महाराज जी अभी हम जिनके पास जाएंगे आप अपना दंड को एक बार लोगे और मैं जब मना करूँगा तो फिर आप ले आना, फिर एक बार फिर लेना, फिर मैं मना करूँगा फिर ले आना, और जब फिर मैं बोलूँगा तब फिर उनका स्पर्श करा देना। तब फिर बोले ठीक है, ऐसा क्यों ना महाराज जी, हम लोग ना जो द्राविड़ भाषा नहीं जान, जो लैंग्वेज है वहाँ के तमिल भाषा हम लोग नहीं, क्या है वहाँ पर कौन सा भाषा चलता था, तेलुगु भाषा हम लोग को नहीं जानते हैं, और हमारे भाषा भी उनको पता नहीं है, तो किस प्रकार भिक्षा करेंगे, इसलिए ऐसा व्यवस्था बनाते हैं। तो महाराज जी बोले चलो आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा कर लूँगा। तो उन्होंने गए, वो सेठ जी दुकानदार पर बैठे थे, तो फिर उनको वो ले रहे थे स्पर्श कराने के लिए, महाराज जी बोले मना किए, जब मना किए तो उन्होंने हाथ दिखाया सेठ जी, ओ भक्ति रखे भक्ति सरंग गोस्वामी महाराज जी ने बोले अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, फिर वो बोले नहीं नहीं दो, फिर ले रहे थे, फिर मान गए नहीं मत छो, ऐसा करके ले, फिर महाराज जी ले आए, फिर उन्होंने बोला दो, ऐसा करके उन्होंने फिर बोला नौ, फिर ऐसा करके उन्होंने कम कम आते हुए उन्होंने 5 तक आया, 5 में फिर बात बन गया, उन्होंने पूछा कि क्या कुछ समझ में नहीं आया क्या 5 बोला, वो बोले मुझे पता भी नहीं है, लगे शायद ऐसा हो सकता है 5 रुपया दे सकते या 50 रुपया या कितना देंगे पता नहीं। तो उन्होंने गए और
पूरा पूरा 5 रुपया लेकर के लाए लाए और महाराज जी को दिए प्रणामी। और देने के बाद ये लोग फिर माथा में त्रिदंड को छुआ कर स्पर्श करते हुए आगे भिक्षा लेकर के उन्होंने बोला कि भक्ति ऋषि देव गोस्वामी ने पूछा कि ये दंड का मतलब क्या। उन्होंने महाराज जी मुझे भी पता नहीं, उन्होंने सोचा होगा, ये जरूर सोचा होगा कि आप कृपा करने जा रहे हो लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, मत कृपा करो अभी दंड के द्वारा। या दूसरा समझ सकते कि उन्होंने कि जल करके राख बन जाएगा अगर नहीं स्पर्श होगा, तो ऐसा कुछ दोनों से कुछ भी स्पर्श समझ सकते तो इसलिए कोई असुविधा। लेकिन आने के समय उनका जो जमीन था उनको घृणा के साथ 3 बार प्रहार किए, पद में लात मारा। महाराज ने भक्ति ऋषि देव से महाराज पूछा कि इसको लात क्यों मार रहे हो। महाराज जी इस प्रकार विषय के पास और दोबारा आना ना पड़े, क्योंकि भय रहता कभी खुद को विषय बनना ना पड़ जाए, इसलिए हमने लात मर के घृणा के साथ उसको छोड़ रहा हूँ अभी, तो चल चलते हैं। फिर चल करके मठ में आए और प्रभुपाद को फिर अर्पण किया। तो उन्होंने बड़ी अद्भुत प्रकार सेवा भी किए कि उन्होंने जब विदेश भी गए थे, तीव्र बुद्धिमता कैसा था, तो जर्मनी के जो भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज गए थे उनके द्वारा, वो जर्मनी से आए थे, उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षित भी हुए। उनका नाम उस समय था सदानंद ब्रह्मचारी, तो उनको उन्होंने सदानंद दास, तो उन्होंने ब्रह्मचारी सदानंद दास था, उन्होंने पूछा उनको कि हम भक्ति सारंग ये गोस्वामी ये उनको अतुल चंद्र बंदोपाध्याय को भेजना चाहता हूँ तो उनको क्या उपाधि देने से होगा। तो उन्होंने उस समय बताया था मिशनरी इंचार्ज, तो फिर उन्होंने मिशनरी इंचार्ज उनको उपाधि दिए और भेजा था। उन्होंने जब विदेश गए वहाँ के जो मार्क्विस ऑफ जेटलैंड के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, उसी दिन वो पेपर में आया था। लेकिन एक दिन क्या उसी दिन क्या हुआ था, एक चेक उनके पास आया था, लेटर बॉक्स में जा नहीं पाया, बड़ा था, उन्होंने जब खोला तो लेटर एक चेक था कि राजा ने ना किसने भेजा था। तब फिर ये चेक को कैसे खुलेंगे, उन्होंने बैंक के पास गया, बैंक मैनेजर बोला कि यहाँ पे अगर कोई एक व्यक्ति के साथ आपका परिचित है और उन्होंने आपको आइडेंटिफाई कर दे तो आपको मैं चेक तोड़ करके पैसा दे सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस समय मैनेजर के बैंक मैनेजर के सामने पेपर न्यूज़पेपर था, उन्होंने न्यूज़पेपर को खोला और दिखाया जो उन्होंने मार्क्विस ऑफ जेटलैंड के साथ हाथ मिलाए थे वही फोटो उस दिन आया था और नीचे लिखा गया था कि इंडियन मोनार्क ए बी गोस्वामी एंड मार्क्विस ऑफ जेटलैंड। तो दिखा करके बोले कि उससे क्या पहचान में आता है, वो जो व्यक्ति कौन है, मैं हूं ना। उन्होंने फिर फोटो को देखा, फिर दोबारा महाराज जी को देखा, फिर फोटो को देखा, फिर महाराज जी को देखा, बोले अच्छा आप ए बी सारंग महाराज जी है, बोले यस, ए बी गोस्वामी है, बोले यस। अच्छा तो फिर उन्होंने बोले कि अगर आप मुझे जानते हो ए बी गोस्वामी तो आप क्यों नहीं मुझे परिचय कराओगे। मैनेजर का दिमाग चक्कर खा गया, उन्होंने अच्छा सही है फिर मैं ही आपको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो मैनेजर ने खुद उनको महाराज को आइडेंटिफाई किया और ए बी गोस्वामी नाम पर आया हुआ चेक को तोड़ कर रख उन्होंने कैश के रूप में दिया महाराज को। इस प्रकार विचक्षण बुद्धि के साथ उन्होंने प्रभुपाद की सेवा किया। मायापुर में जमीन संग्रह करने के लिए मना करते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे महाराज जी बोलते कि भक्ति दे तो माधव गोस्वामी महाराज जी और हमारे परम गुरुदेव भी, तो क्योंकि उनका था कि प्रभुपाद की मठ है लेकिन वो स्वयं नहीं खरीद करते थे, लेकिन बोलते थे कोई अगर उसमें कोई भी हमारे गुरु भ्राता जमीन लेना चाहेंगे मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन देखभाल करने का जिम्मेदारी उनका है। क्यों, अवांछित लोग आकर के यहाँ पर नहीं तो मायापुर धाम में अवांछित कार्य करेंगे और जमीन को मिस यूटिलाइज करेंगे, धाम की मर्यादा नष्ट होगी, इसलिए ये जो हमारे गुरु भ्राता लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी जमीन खरीद करवाए थे सबके लिए,
तो बाद में उन्होंने भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी को बोलने के बाद उन्होंने फिर किया, वो जमीन लिए। जिस दिन लिए उस दिन बड़ी उत्सव हुआ था उत्सव, लेकिन क्या हुआ था, सब लोग आए थे और इसमें भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलने पर लिए, नहीं वो भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज नहीं, वो तो उस समय छोटे ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने जब लिए भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज के द्वारा ही वहां पर जमीन भूमि पूजन हुआ और वहां पर सब बड़ी सुंदर अद्भुत हरिकथा हुआ, कीर्तन हुआ, लेकिन लौटने समय सबको बाताश दिया गया था। तब पता चला कि ओ वहां पर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे कि मैं बचपन से जो सुना था, अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघडम्बुरा मेघतम्बुरा दाम्पत्य कलहश्चैव बहु आडम्बर लघु क्रिया, ये में बहु आडम्बर होती है, लघु क्रिया होती है। तो उसी दिन उन्होंने समझा, अजा युद्ध मतलब बकरा का युद्ध अगर हो तो दोनों माथा को बड़ी जोर उठाएंगे, लेकिन जब लगाएंगे तो धीरे ही डाल देंगे और स्पर्श ही केवल होगा। अजा युद्ध मतलब आडम्बर होगा कि कुछ ब्लड ही निकल जाएगा जब ठक्कर ठोकर लगेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि धीरे से स्पर्श करेंगे और पूरा उठेंगे धीरे से। अजा युद्ध ऋषि श्राद्ध, ऋषि का श्राद्ध में अगर चले गए तो क्या मिलेगा, केवल चरणामृत ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, हरि कथा कीर्तन होगा दिन भर। और प्रभात में अगर क्या हो गया, मेघ बादल आ गया, शब्द तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगा, और दाम्पत्य कलह और पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो कितना देर तक, और बहुत ज्यादा हो उनको कुछ बोल देंगे लघु क्रिया, फिर बाद में हाँ ठीक है मैं तुमको ऐसा बोल दिया था, माइंड नहीं करना। तो ऐसे आडम्बर, आडम्बर बहुत ज्यादा है लेकिन क्रिया बहुत छोटा है। तो उन्होंने समझ में आया, महाराज जी बोलते थे। तो जितना सेवा भलीभांति करना संभव पर हो उतनी स्वीकार करो। उन्होंने ये बात किया था कि वो कहते थे कि उन्होंने जब मठ में निमंत्रण देते थे, हर मठ से जितने संभव है एक या दो को बुलाते थे। क्यों, वो बोलते थे जितने वैष्णव को हम बुलाएंगे सबका जैसा अच्छी तरह सुष्ठु रूप में सेवा कर सकते उतना वैष्णव को ही बुलाएंगे। सबको बुला करके वैष्णव की सेवा नहीं कर पाने से दोष लगता है। और उन्होंने धाम में भी धाम को बड़ी गंभीरता के साथ सम्मान करते थे और रहते थे जमीन में, जब मंदिर बनाते बनाने के समय वहां रहते थे चैतन्य गौड़ीय मठ में। तो अपना जमीन पर जो दाते थे उनका एक सेवक थे गौरदास, तो उनको बोले कि देखो गौरदास, जब उसी समय ही वो जनरेटर उनका जो चैतन्य गौड़ीय मठ का जनरेटर चलाने वाला एक सिक्योरिटी था वही रिक्शा चला रहा था। उस दिन नया रिक्शा आया था, उस समय नया नया रिक्शा आया था। तो बोले महाराज जी गुरुदेव उसमें बैठ करके चले जाएंगे, वो बोले नहीं मुझे पता है तुम लोग को आज जा करके कल आगामी दिन में भी कार में यहाँ पर तुम लोग को घूमोगे, लेकिन हम धाम को सम्मान देना चाहते हैं, हम पैदल ही जाएंगे धाम के ऊपर, रिक्शा में गाड़ी में हम नहीं जाएंगे। आप लोग चला सकते लेकिन मैं उसके लिए प्रस्ताव नहीं दूंगा। तो जब वहां पर गए फिर कोई महाराज जी आए, बोले महाराज जी हमको तो गौरदास ने आज मार ही डाला चलाते चलाते, लेकिन मजाक किए, इतना मधुर संबंध शिष्य के था उनका था। और उन्होंने उन्होंने एक दिन आया वहां पर, कहां पर, ओ चैतन्य गौड़ीय मठ में गौशाला में पहुंचे एक बार हरिनाम करते करते सेवक के साथ। उन्होंने जब देखा कि दो दाम्बुड़ी माने अंडेरा बछड़ा जोड़ा बछड़ा दो बड़े बड़े, तो उनको देख करके बोला कि उसके में वो प्रभु जी थे हमारे, मैं वो भक्ति विज्ञान भारती को समझ ब्रह्मचर्य नाम क्या था,
नरोत्तम दास ब्रह्मचारी, उन्होंने गाय की सेवा कर रहे थे गौ माता की। तो ये दोनों बछड़ों को देख करके उन्होंने पूछा कि ये प्रभु ये दोनों बछड़ा की आयु कितना है। बोले महाराज जी 1 साल हो गया। और बोले एक काम करो, ये दोनों बछड़ा को बैल बना दो तो उसके द्वारा जमीन बहुत खेती होगा, अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये बात सुन करके उन्होंने पास में जो प्रभु थे वो बोले महाराज जी आप अगर आप घर में होते ये बात आप बोल सकते। बोले नहीं, हम अगर घर में होते तो हम अगर ये बात बोलना क्या करना क्या बात अगर बोलते तो हमको जाति से निकल दिया जाता, हम ब्राह्मण कुल से ये बात बोलना मुश्किल होता। लेकिन अभी हम अपराकृत म्लेच्छ है। लेकिन क्या मतलब क्या है अपराकृत म्लेच्छ, मतलब चाहे म्लेच्छ कार्य भी कर सकते लेकिन किसके लिए, क्योंकि मटकी सेवा सब कुछ अपराकृत सेवा है। तो इसलिए ये कार्य चाहे म्लेच्छ का कार्य हो लेकिन फिर हम करने से क्या होगा, सेवा होगी। हाँ, इसलिए ये मतलब क्या विचार था अप्राकृत म्लेच्छ, समझ में आया। म्लेच्छ मतलब क्या है, अंत्यज जाति म्लेच्छ, क्रिया म्लेच्छ का है लेकिन अप्राकृत के लिए है, सेवा के लिए। इसलिए वो बोले कि हम लोग अप्राकृत म्लेच्छ है। और उन्होंने और एक समय तो हो गए, उन्होंने प्रसाद लेते थे। एक बार प्रसाद जब लेते थे तो क्या करते थे कि सारी प्रसाद कड़वा जो सुक्त खीर सब कुछ दाल चावल सब मिला करके खाते थे। एक बार महाराज जी ने उनको पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों लेते हैं, उसमें तो टेस्ट पता नहीं चलता। बोले हाँ मैं इसलिए लेता हूँ कि वो 2.5 इंच की जीवा को क्यों प्रश्रय देना है, वो बार बार नहीं तो परेशान करेगा, इसलिए मैं ऐसा ग्रहण करता हूँ। और महाप्रभु भी बोले ना, पद्म पुराण भी लिखा है कि शरीर अविद्यादले महाप्रसाद है, उसमें कभी द्वंद्व बुद्धि या भलो मंद बुद्धि नहीं करना चाहिए। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सर्व सब मनो धर्म यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम। द्वैत मतलब क्या है, भगवत बहिर्भूत वस्तु में द्वैत कहते हैं, उसमें भालो खराब ज्ञान करने से भ्रम होता है, और ये तो महाप्रसाद है उसमें भालो खराब ज्ञान नहीं करना चाहिए। आर्मी में उनका चटपट चीज अच्छी लगती थी, कहते उनका चटपट चीज अच्छी लगती थी उनका चटपट चीज। इसलिए एक बार क्या हुआ, अभी उनको प्रसाद के लिए बैठे हुए थे, इतने में कुंज बिहारी प्रभु भी बैठे हुए थे, प्रसाद पात में तो चटपट उनको पसंद। बोले इसमें नमक कम है क्या, इसमें मिर्च तुमने दिया नहीं। इतना बोलते ही पास में हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी बैठे महाराज बैठे हुए थे, इतने में उनको तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले तुम होटल में बैठे हैं ना, तुम मंदिर में बैठे हो, तुम क्या होटल में बैठे हो। तो उन्होंने बताया देखो उनका अंदर में ये गुण था, जब प्रसाद देंगे पहले जो उनको मिल जाएगा ना बस उससे खा लेते थे, अगर बाद में कोई चीज़ तो उनको ध्यान ही नहीं रहता था। मतलब प्रसाद पाते समय इतने आविष्ट रहते थे प्रसाद में हैं। तब उन्होंने बोले देखो जब भगवान का भोग नहीं लगता, इसलिए हमारी दूसरे दूसरे जगह में हमारे राग भक्त राग मार्ग में हम लोग को पूजा करने वाले, इसलिए जैसे बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर प्रसाद भोग लगने से पहले कोई टेस्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग टेस्ट करते हैं, हमारे गौड़ीय मठ में टेस्ट करते हैं। क्यों, ये ठाकुर जी का भोग लगेगा, अगर ऐसे नहीं नमक कम हो गया तो मिर्च ज़्यादा हो गया फिर ठाकुर को कष्ट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ी सी हाथ में ले करके हैं, अंदर में नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी हाथ में लेकर उसको थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं, फिर मुंह को धो देते हैं, हम मुंह धो देते हैं। तब उन्होंने बताया देखो
जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है उसको पहले ये नमक नहीं, इसमें मिर्च नहीं, ये बोलनी चाहिए। लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है फिर प्रसाद के ऊपर में कुछ नहीं बोलनी चाहिए, हैं, फिर उसमें पाप लगता है, हैं, क्योंकि जो प्रसाद है कहते ना महाप्रसाद है गोविंद नाम ब्रह्मणे वैष्णव सल्प पुण्यंग बतांग राजन विश्वास नैव जायते। इसलिए जिसका कम पुण्यवान व्यक्ति है कहते ये चार चीज में उनको विश्वास नहीं होता है, इसलिए उन्होंने शासन किया उनको खबरदार कभी ऐसे बोलना नहीं। इसलिए जो रसोई बनाते हैं उनका नियम है ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले नमक ठीक हो, मिर्च ठीक हो, मसाला ठीक हो, है, उसको पहले थोड़ी सी टेस्ट कर देख लो, लेकिन भोग लगने के बाद फिर नहीं बोलनी चाहिए। इनका एक दो और बात है, एक समय जो गौड़ीय मठ में जो ये ऐश्वर्य है, पहले गौड़ीय मठ का जो ये था बहुत सीधा साधा रूप में, सजना पता में चावल मिलाकर खा लेते थे और किसी ना किसी तरह से अपना जीविका निर्वाह करते थे। गौड़ीय मठ में जो ऐश्वर्य जब देख रहे ये जब से आए, हाँ देखो इनका एक समय क्या हुआ, इन्होंने भिक्षा करने के लिए गए, हैं, अब अभी सुन रहे थे ना, एक समय ये जब हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के साथ में थे, कि जो अपराकृत प्रभु और उनको साथ में और एक व्यक्ति आए थे मायापुर दर्शन करने के लिए गए थे, वो थे रेलवे का ऑफिसर, ये थे उनकी नीचे थे। लेकिन जब ये दोनों मायापुरी में आए दर्शन करने के लिए, उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा था नहीं, चलते 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 आए आए तो उन्होंने एकदम भूख लग गया था इन दोनों को, तो बड़ा भूख लगा हुआ था और इनको भूख, देखो ये ब्रह्मचारियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, इनको बड़ी भूख लगा हुआ था। जब भूख लगा हुआ था इतने में मंदिर बंद हो गया था, ठाकुर जी का मंदिर बंद था। अभी वो दोनों को देखा मुंह सूखा हुआ एकदम धूप में चलते चलते आए, प्रभुपाद उस समय में विश्राम कर रहे थे। अभी हमारे भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी दोनों को देख करके वो समझ गए बड़े भूखे में हैं, बोले जाओ अब स्नान करके आओ। तो जो स्नान करने के लिए गए उन्होंने क्या किया, फटाफट एक जगह पर उन्होंने चावल बैठा दिया, सीधा चावल बैठा दिया और एक कपड़े में मुंह डाल बांध करके उसमें डाल दिए और कुछ आलू उसमें डाल दिया। एक साथ में उन्होंने क्या किया, हाँ एक साथ में सारी चीज़ें हो गई फटाफट। उसको स्नान करके आते ही इन्होंने आलू का छिलका उतार दिया, उसमें थोड़ा मिर्च थोड़ा सरिस तेल दे करके आलू सीधा बना दिया और उसमें जो थोड़ा आलू था उसमें छोंक दे करके आलू दम बना दिया और उसमें जो दाल सीधा किया था जड़ा जड़ा छोंक दे करके उन्होंने क्या बना दिया, दाल बना दिया। हाँ जब उन्होंने स्नान करके आए आते ही उन्होंने ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से ठाकुर को भोग लगा दिया, पास इन दोनों को खिलाया। अगर कोई भूखे में आए बंगाली लोग अगर हो, अगर उनको चावल गर्म गर्म चावल फिर क्या मिल जाए, थोड़ा दाल मिल जाए, फिर आलू चोखा मिल जाए, फिर आलू दम, मतलब उनको भगवान मिल गया। अगर चावल में थोड़ा घी डाल दिया ना, वाह फिर तो ये इससे बड़ा चीज़ नहीं। इन्होंने फटाफट दोनों खिला दिया, इतने ही खुश हो गए, बोले हम स्नान करके आते आते इतना तैयार कैसे हो गया, इतने खुश हुए। फिर तो उन्होंने क्या किया, जो प्रभुपाद उठे प्रभुपाद को दर्शन कराया, फिर प्रभुपाद ने उनको बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाया। बात सुन करके तो पहले लोग जो होते थे ना बड़े धार्मिक लोग होते, इतने खुश हो गए। तब हमारे जो भक्त सारंग गोस्वामी महाराज बोले 10 रुपया मिलता था, बोले महीना में मैं 5 रुपया दूंगा। और उनके साथ में जो अफिसर गया था हैं अभी बाद में भक्त बने, बोले मैंने 1 रुपया दूंगा। उसमें 1 रुपया मतलब बहुत कीमत है, हैं 1 रुपया का बड़ा कीमत है, इसलिए वो 1 रुपया और ये 5 रुपया दिए। फिर ये बीच बीच में आते रहे प्रभुपाद के पास और ये 5 रुपया की इतना कीमत था पूरा 1 महीना उसमें चलता था। जब इन्हें धीरे धीरे प्रभुपाद के पास में आए गए कथा सुनते रहे, फिर उनको पता चला ये मानव शरीर भगवान क्यों दिया, ये मानव शरीर पाकर क्या करनी चाहिए। जब कथा सुने ना धीरे 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 इनके मन में इच्छा हुई, अभी हम घर बार छोड़ करके क्यों, ये जीवन विषय खड़ो सर्वत्र से आते, विषय तो हर जीवन में कुत्ते गधे सुअर हर जीवन में हमने यही खाए पिए बच्चे जन्म दिया यही काम किया है। अगर ये मानव शरीर पा करके अगर जीवन को ऐसे बिता दिया फिर क्या हुआ। इसलिए वो कहते थे भैया एक जीवन किसी तरह से
ये चीज को स्टॉप करो, जो करते करते आ रहे हो ना एक जीवन, इसको स्टॉप करो, क्योंकि हर जीवन के लिए खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना ये तो रिजर्व तुम्हारे लिए है, हर जीवन के लिए तुम्हारी रिजर्व है। कौन सा जीवन में तुमने इसको काम करके नहीं आए, हर जीवन में तो यही करते करते आए, इसलिए कहते थे एक जीवन उसको स्टॉप करो, स्टॉप नहीं करोगे ना कहते हाँ हंत हंत विश्व भक्षण अभी असाधु है। इसलिए जहर खाने से एक जीवन बर्बाद होगा, लेकिन संसार में फंसने से कितने करोड़ों जन्म तुम्हारी को संस्कार रहेगा ना, संस्कार तो रहेगा, कितने जीवन तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब उन्होंने इस बात को सुना है ना, इनके मन में इच्छा हुई प्रभुपाद का शरण में आकर के भजन करे, लेकिन वो कभी कभी बोलते थे, लेकिन जो दूसरे दूसरे संन्यास जो दूसरे दूसरे संन्यासी ब्रह्मचारी उनको बोलते थे खबरदार अभी बताया मंदिर में, अभी मंदिर में बताया करो, वो सोचते थे प्रभुपाद कहते हैं तृणम जतेत नपतेत अनुवृत जावत, जितना जल्दी हो कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, प्रभुपाद कहते जितने जल्दी से जल्दी हो घर छोड़कर आओ भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि निश्वास नहीं वह विश्वास, निश्वास में कोई विश्वास नहीं। लेकिन ये ब्रह्मचारी लोग हम मना क्यों करते हैं, तब उन्होंने अंदर अंदर से पता लगाया क्या चक्कर क्या है, पता लगाया तो पता चला कहते ये महीना में 5 रुपया देते हैं, ये 5 रुपया में एक महीना पूरा मंदिर का खर्चा चलता है, अगर ये साधु बन जाएंगे तो 5 रुपया कौन देगा, ये 5 रुपया कौन देगा, फिर मंदिर कैसे चलेगा। फिर उन्होंने बोले कोई चिंता नहीं, 5 रुपया देता ना मैं उससे ज्यादा लाऊंगा, मैं उसके ज्यादा लाऊंगा। इसलिए सचमुच से एक दिन उन्होंने पहले बड़े कठिन से मंदिर चलता था, बड़ा कठिन से है, एक दिन उन्होंने कहीं भिक्षा के लिए गए, भिक्षा इतना किया एक ट्रक दाल चावल चीनी घी तेल एक ट्रक उन्होंने भिक्षा किया, और उन्होंने प्रभुपाद का नाम चैतन्य गौड़िया मठ बोल करके उसको ये दे करके क्या उसको बिल दे करके भेज दिया, चैतन्य गौड़िया मठ में पहुंचा देना, ट्रक आ गया मायापुर में, पूछा भैया ये चैतन्य गौड़िया मठ के कहाँ पर है, बोले ये है, बोले एक ट्रक सामान आया है, एक ट्रक सामान आया किसी ने भेजा, किसी ने कभी कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे एक ट्रक कभी आएगा, बोले भैया यहाँ घूम लो या इसका आसपास में कोई व्यक्ति होगा उसके लिए ये मंदिर का नहीं है, क्योंकि उनको कोई कल्पना नहीं था कभी इतना भिक्षा कोई कर सकता मंदिर में। फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, आसपास में पता लग गया भाई चैतन्य गौड़ी मठ का कहाँ पर है और ये सामान आया, तो आसपास में पता लग गया किसी ने कहा भैया हमारे नहीं हमारे कौन भेजने वाले, लास्ट में उन्होंने जोर जबरदस्ती वहीं पर सारे उतार करके चैतन्य गौड़ी मठ में, पर ट्रक लेकर कहाँ जाऊंगा वहीं उतार करके, उन्होंने बाद में जाना पड़ा उनको पूरा उतार करके चले गए। फिर बाद में पता चला कि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ये चीज को उन्होंने भिक्षा करके भेजा, ऐसे उन्होंने भिक्षा किया, बोले एक समय इनको प्रभुपाद इतना उन्होंने सेवा किया, देखो अभी प्रभुपाद ने बोल दिया इनको जाओ वृंदावन में एक महीना का परिक्रमा होगा, ब्रजमंडल परिक्रमा होगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था लोग ने कोई पैसा नहीं दिए केवल भेज दिया। अभी सोचने लगे एक महीना का परिक्रमा रहना खाने का कितना पैसा लगेगा और कितने लोग, 5 लोग हैं 5 लोग का परिक्रमा। अभी उन्होंने आए और अभी बता रहे थे ना, वो पहले तो बड़े उच्च शिक्षित थे हैं, उच्च शिक्षितों को पता था, इन्होंने इनकम टैक्स का ऑफिसर का उन्होंने पूरा ड्रेस पहन लिया और बगल में डायरी को उनका जो रजिस्टर उन्होंने बगल में दबा दिया, दबा करके होली गेट में आए और उनको सारे बात पता है, होली गेट में आकर एक बड़ी हैं बड़ी दुकान में जहाँ पर बहुत दाल चावल बहुत सारी होता है वहीं पर धावा मारी, बोले कापी निकालो, इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, कापी निकालो चेक करने के लिए आया हूँ, निकालो कापी। पहले तो इतना कोई करते नहीं थे, किसी तरह से तो चलते थे, किसी ने हिसाब किया था अब किसका है ही नहीं। अभी वो तो सुन करके घबरा गए, अभी इनकम और देखने में देखा उनका चेहरा, देखा देख लो कितना लंबे चौड़े कैसे हैं, एकदम लंबे चौड़े देखने में बड़े सुंदर है, अभी तो कांपने लग गए। अभी ये बात है ना पूरा दुकान में फैल गया, वहां पर जितने दुकान वहां पर बड़े बड़े सब जमींदार लोग हैं मथुरा के बड़े बड़े, सबको पता चला इनकम टैक्स ऑफिसर आया हिसाब मांग रहा है, सारे लोग वहां पर इकट्ठे आ गए, आकर के सबके सब माफी मांगने लग गए, हमारे पास में तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, हिसाब किताब हमारे पास में कुछ भी नहीं, इसलिए माफ कर दो हम
किसी तरह जो आप देना चाह जो बोलेंगे हम सब देना चाहते हैं लेकिन माफ कर दो हमें। जब उन्होंने सबके सब दुकान वाले एकत्रित हो गए ना, फिर उन्होंने हरी कथा बोलना शुरू कर दिया। बोला मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मेरे गुरु जी प्रभुपाद ने मेरे को यहाँ पर भेजा, एक महीना का यहाँ पर ब्रजमंडल परिक्रमा होगी, इसलिए मैंने उसी उद्देश्य में आया हूँ। संत लोग आ रहे हैं वृंदावन, अब विशेषकर मथुरा के लोग हैं, धार्मिक स्वाभाविक रूप में धार्मिक लोग हो गए हैं, इसलिए जब उन्होंने बोले हम यहाँ गुरु जी की सेवा के लिए यहाँ पर परिक्रमा आएंगे, गुरु जी आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए व्यवस्था करने के लिए आया हूँ, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं, मैं एक संत हूँ, फिर तो सबको जो कहाँ पर रहे थे ना पानी पानी हो गए, सब सबके सब माफी मांगे और बोले महाराज जी आपको क्या चाहिए बताए। बोले ये 1 महीना के लिए दाल चावल चीनी और हमें घी चाहिए। बस जितने दुकानदार वाले थे ना, एक एक बोरी करके, एक एक टीन, एक एक घी मसाला, बस 10 मिनट में पूरा 1 महीना की भिक्षा। प्रभुपाद जब आए हैं, प्रभुपाद ने को भेजा था, प्रभुपाद जब आए ना, फिर उन्होंने ये सारे बात बताए, गुरुदेव मैंने ऐसे कलेक्शन किया, गुरु प्रभुपाद सुन करके इतने गदगद हो गए, प्रेम में इतने संतुष्ट, इतने गदगद हो गए प्रभुपाद। बोले वाह सचमुच से महाप्रभु, जो मैं बड़ा चिंता कर रहा था, हैं हैं बोल रहे थे ना भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास जी महाराज गुरुवर्ग महाप्रभु बोल रहे थे हैं ये वाणी को प्रचार करो। मैंने कहा कैसे प्रचार करूंगा, मेरे पास में कोई जन नहीं, कोई पैसा नहीं। तो उस समय बताए थे कोई चिंता मत करो, हम सबके सब केवल तुम प्रचेष्टा करो, हम तुमको सबके सब मदद कर रहे हैं, पीछे पीछे सब मदद कर। सचमुच से महाप्रभु ने तुम लोगों को महाप्रभु ने यहाँ पर भेजा, इतने प्रसन्न हुई है इतने। एक समय उस समय जब नवद्वीप परिक्रमा ये ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था, लेकिन सबके सब उसी समय प्रभुपाद ऊपर से बिगड़े हुए थे। बोले क्यों बिगड़े हुए थे? बोले ये सब शूद्रों को जनेऊ देता है, उस समय तो बड़े स्ट्रिक्ट था ना ब्राह्मण वृंदावन, इसलिए बोले इसलिए उन्होंने बोले ये सब शूद्र को जनेऊ देता है, तिलक लगाता है सबको, पहले तो ब्राह्मण के बगैर कोई पूजा ही नहीं कर सकते, ये नियम कठिन नियम था। लेकिन एक प्रभुपाद ने आकर के दैव वर्णाश्रम को उन्होंने स्थापन किया, जस्य जत लक्षणम प्रक्तम पुंसामि वर्ण, जिसको अंदर में जो गुण दिखाई देता है उसको उसी ऐसे निरूपण करनी चाहिए है, इसलिए जन्म से नहीं कर्म से। इसलिए ये चीज को प्रभुपाद ने बड़ी कठोरता पूर्वक, अभी तो कोई आचार्य ये काम नहीं कर पाए, कोई आचार्य नहीं कर पाए, लेकिन प्रभुपाद जो काम को किया है या इतने कठोर काम को, इसलिए नवद्वीप में एक गोपेंद्र कोई व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, वो भी बहुत उन्होंने विरोध किया था लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लास्ट में आकर के हमारे देवानंद गौड़ी मठ में बोलते थे प्रभुपाद ने जो काम किया अभी तक ये काम पृथ्वी में कोई आचार्य नहीं कर पाए, जाकर उन्होंने स्थापन कर दिया पूरा पूरा जो दैव वर्णाश्रम को उन्होंने पूरा आकर बोलता था। बोले महापुरुष थे मानते थे, इसलिए अभी परिक्रमा अभी पूरा मंदिर में फैला हुआ है, ये प्रभुपाद सूत्र को जनेऊ देता है, तिलक लगाता है, भजन करवाता है, ठाकुर को पूजा ब्राह्मण के बगैर कोई कर नहीं सकते, इसलिए उनको मंदिर में घुसने नहीं देंगे। अभी जब प्रभुपाद का परिक्रमा गई ना, परिक्रमा गई और इनका परिक्रमा को मंदिर में घुसने मत दिया करो, सबके सब बंद कर दिए, तुम लोगों का कोई यहाँ स्थान नहीं है, हैं अंदर में घुस नहीं सकते हो। उस समय अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय हैं, ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति देते माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज, जो उच्च वंश के ब्राह्मण है, सो उच्च वंश के ब्राह्मण, और इनको सब इनको परंपरा जो गोस्वामी लोग हैं ना जो मंदिर, उनको सब जानते हैं, हैं तब उन्होंने जाकर के बोले जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो ये परिवार को जानते हो, तुम्हारी परिवार को सब हम जानते हैं, जब हम पेशाब करते हैं ना उस समय बोले जब हम पेशाब करते हैं तुम्हारी परिवार उनको ढक ढक पीते हैं, हम जब पेशाब करते हैं हम इतने उच्च ब्राह्मण कुल के हम सबके साथ भक्ति रखी श्रीधर गोस्वामी भक्ति माधव गोस्वामी उच्च वंश के ब्राह्मण थे, और तुम्हारी वंश को हम जानते हैं कौन सा वंश का ब्राह्मण में भी छोटा नीचा है, इसलिए हमारे पेशाब को पीने वाले हम ऐसे व्यक्ति ये प्रभुपाद का चरण को आश्रय ग्रहण किए हैं, इनका शिष्य बने, ये साधारण महापुरुष नहीं। उन्होंने ऐसे उनको उत्तर दिया, झाड़ लगाए ना, बोले भैया मंदिर खोल दो, इतने बड़े बड़े व्यक्ति वो सब इनके चरण प्रभुपाद इनका नाम लेकर होते थे। बोले देखो महापुरुष सचमुच से इन लोगों को महाप्रभु ने भेजा है मेरे को मदद करने के लिए,
हाँ महाप्रभु ने भेजे, मतलब महाप्रभुपाद ऐसे बोलते थे। कहते एक समय इन्होंने क्या हुआ, कहीं भिक्षा करने के लिए कहीं गए, भिक्षा के लिए गए तो एक बहुत बड़ा ऑफिस था है, और उस समय जब जाते थे ना ऐसे नहीं पगड़ी, देखो ना पगड़ी बांध करके, और एक टैक्सी को किराए में ले लेते थे और टप एकदम सज धज करके रईस रूप में जाते थे। जो भैया बहुत बड़ा ऑफिस ऑफिस ये है, वहाँ पर हजार हजार लोग काम कर रहे हैं। वहाँ का मालिक के पास में गया, जब बात करने के लिए चाहा, वो क्या सोचा शायद कुछ हो, क्यों आते हैं वैष्णव लोग कुछ पैसा ले, तब उन्होंने कुछ पैसा पकड़ाया, बोले पैसा लेने नहीं आया मेरे को, बोले 5 मिनट दो, बोले मैं नहीं दे सकता हूँ, देख रहे हो कितना फोन 8-10 फोन लगा हुआ विदेश से है, विदेश से कल आता है, कहाँ से कल आते हैं, मेरे पास में कोई समय नहीं, पैसा ले जाओ। बोले अगर मेरी कथा नहीं सुनोगे तो अब से हम पैसा नहीं लेंगे, बोले मेरे पास में आपकी कथा सुनने के लिए कोई समय नहीं। इतने में उन्होंने चले गए, जब चले गए अभी कुछ दिन बाद में फिर उधर से जा रहे थे, जब जा रहे थे सोचे एक बार उनको, उनका इच्छा था उनको प्रभुपाद का चरण में आए, थोड़ी सी पैसा किया पूरा के पूरा इनको प्रभुपाद का शरण में ले आए। जब उधर से जा रहे थे इतने में देखा, और एक बार घूम करके जाता हूँ, जब गए ना देखा वो बिल्डिंग खाली, कोई है नहीं बिल्डिंग में। तो उन्होंने देखा भैया एक साल पहले आया था, इतने चमक धमक इतने हाँ इतने टहल चल यहाँ पर बचा हुआ था, वो गया कहाँ, ये खाली कैसे। लेकिन जो ऑफिस से उतर करके आया देखा सामने हाँ एक बगीचा जैसे था सामने फुटपाथ, वहां पर देखा एक व्यक्ति कुछ कपड़ा लेकर वहां बेच रहा है। तब उन्होंने साधु को देखा, देख कर पहचान गए वो जो एक साल पहले जो आया था वही साधु, वो पहचान गया वो व्यक्ति है। तब उन्होंने बोले आप किसको ढूंढ रहे हो, बोले एक साल पहले मैं आया था यहाँ पर बड़े टहल चल मचा हुआ था, यहाँ पर तो बहुत बड़ा ऑफिसर था और यहाँ ऑफिस था लोग हजार हजार लोग काम करते, आदमी गया कहाँ। तो उन्होंने बोले वो व्यक्ति मैं हूँ। बोले आप हो, बोले ये क्या, बोले मेरी लाल बत्ती जल गई, मेरी सारी बिजनेस खत्म हो गया, आप एक साल पहले आ करके मेरे को कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलने के लिए उस समय में मेरे पास में समय नहीं था, अभी मेरे पास में काफी समय, यहाँ पर आसन देख रहे तो बैठा है, बोले बताओ क्या उसी समय आप बोलना चाह रहे थे। फिर उन्होंने बताया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। फिर उन्होंने कथा सुनाया कि जीवन कितना दुर्लभ जीवन है, कितने भाग्य से ये मानव शरीर भगवान दिए, किस लिए दिए है, भजन के लिए दिए है। फिर उन्हें लब्धा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान थी, कैसे 84 लाख जन्म के बाद में कैसे ये मानव शरीर मिलता है, किस लिए मिला है, भगवान की भक्ति भजन। फिर उन्हें हरिकथा सुनाई, फिर उनको लेकर प्रभुपाद को लाए, फिर प्रभुपाद का शरण में, मतलब ये ऐसे महापुरुष थे, इनका एक बार दर्शन हो गया ना, कहते ना तुल्याम लवे ना आप न स्वर्ग ना अपन अपनर्भव, एक लव अगर साधु सब का दर्शन हो गया ना बस उनको सब कुछ, उनको सब कुछ लाल बत्ती जला दिए है। और उनको पहले साधारण लोग क्या सोचेंगे, अरे इतने पैसा था चला गया, नहीं भगवान उसके ऊपर कृपा किया। हर जीवन में तो धन दौलत पुत्र परिवार किसी जीवन में नहीं मिलता, हर जीवन में मिलता है, लेकिन भगवान की भजन करने का सुजोग किस जीवन में नहीं मिलता। फिर उन्होंने प्रभुपाद का शरण में आकर को मैंने भजन किया है, इसलिए इनकी बहुत बहुत कथा है, इनकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी कथा। एक बार वो विदेश में गए हुए थे जब प्रचार करने के लिए, किसी बात पर इनके अंदर में कोई भय से हो गया तो बोले आपका देश का ठाकुर ही भगवान है, बोले नहीं हमारे हम तो चर्च उनका है ना, कोई भगवान का रूप वूप कुछ है, बोले नहीं तुम्हारी देश का जो ठाकुर है हैं भगवान ही तुम्हारे को प्रमाण किया है। बोले आपको 3 दिन में प्रमाण दूंगा, अभी 1 दिन 2 दिन अभी चिंतन में पड़ गए, मैं प्रमाण कैसे दूं हैं, बड़ा चिंता में पड़ गए, ठाकुर को पुकार रहे प्रभु ठाकुर जी हमारे लाज बचाओ, क्या प्रमाण दूं। तीसरे दिन में इनको स्वप्न आए ठाकुर जी, बोले अमुक पार्क में वहां पर भगवान विष्णु मंदिर नीचे मिट्टी के नीचे है हैं, उनको स्वप्न दिए अमुक पार्क में अमुक स्थान पर मैं हूँ, मिट्टी को नीचे गड़ा हुआ हूँ, लोगों को प्रमाण देना वहां पर तुम्हारे ठाकुर यहीं पर है, चलो उनको लेकर के खुदाई करो। सचमुच से जब खुदाई किया ना वहां चतुर्भुज नारायण निकले, चतुर्भुज विदेश में
विदेश में चतुर्भुज, देखो तुम्हारे देश का ठाकुर ये है, ये चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है, इसलिए भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है, तुम्हारा देश का ठाकुर भी यही है। मतलब ऐसे ऐसे इनकी जीवन में, ऐसे ऐसे अद्भुत इनके जीवन में, ऐसे ऐसे बहुत सारी कथा इनके जीवन में, बहुत सारी कथा, इसलिए आज इनका त्रिभाव तिथि है, आज इनका प्रभुपाद का इन्होंने पूरा जीवन दे करके भिक्षा करके ये गौड़ीय मठ में जो ऐश्वर्य आज आकर के हम लोग जो इतने अच्छे तरह से रह रहे हैं, खाने पीने का कोई चिंता नहीं, बड़े अच्छे तरह से इन्होंने आकर के प्रभुपाद महाप्रभु इनको द्वारा ही ऐश्वर्य बढ़ाया, इस वजह से अभी हम आकर के भक्ति और भजन कर रहे हैं। प्रसिद्ध भक्ति सारंग स्वामी महाराज की, सपाद प्रभुपाद की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हाँ महाराज जी को एक बार किसने पूछा कि महाराज जी भारतवर्ष में इतना मंदिर है, इतना विग्रह है, तो सेवा पूजा ठीक से नहीं होता है, तो आप लोग फिर उसी मंदिर को ही पुनरुद्धार नहीं करके ये नया मंदिर नया से उसे बनाना क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोले कि देखो भारतवर्ष में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिर जो लोग का बच्चा नहीं है ये लोग जाके अनाथ अनाथ जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ से एक तो बच्चा ले आते, उनको पालन पोषण नहीं करके एक बच्चा के लिए क्यों प्रार्थना करते बार बार। उसको स्वामी महाराज बहुत अच्छी तरह बोले थे, जब मंदिर वहाँ पर मुंबई में बड़ा मंदिर बना रहे थे तो उन्होंने आया तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी अनेक मंदिर है जो टूटा हुआ है उनको, तो स्वामी महाराज उनको बोले कि ये कौन है तुम्हारा, बोले ये पत्नी है, अनेक अनाथ शिशु है जिनको सेवा नहीं करके उनसे तुम बच्चा पैदा करना क्यों चाहते हो। तो जब इस प्रकार बोले तब फिर समझ में उनको आया कि वो बोले कि देखो जिनके द्वारा हम जो मंदिर बनाएंगे विग्रह बनाएंगे उनके प्रति हमारी प्रीति होती है, हमारी ममता होती है, उनके साथ होती है, तो इसलिए हम खुद नया मंदिर ही बनाएंगे और नया विग्रह ही बैठेंगे। बड़े अद्भुत है उन लोगों का जो विचार, उन लोगों के जो आदर्श, उन लोगों की जो चलो गंछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।